हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग इस पैंडमिक की सिचुएशन में स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट जो वीडियो मैंने ट्रिक के रिगार्डिंग बनाई थी और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ट्रिक को उसी वे में देखिए कि आपको इनफ प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने लास्ट वीडियो में रिस्पॉन्स देखा तो आपका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और जैसे मैंने बताया आपने उसी वे में ट्रिक को यूज किया है, तो डेफिनेटली इसमें आपको वर्क करेगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में उसको आंसर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो मैं चाह रहा था कि आप इसका यूज करना स्टार्ट कर दें, आपने उस चीज़ को किया तो पक्का आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस भी मेरे को आए कि इस ट्रिक के रिगार्डिंग, कि सर और भी आप आगे ट्रिक बताएं। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसके बिहा पे मैं डेफिनेटली अब इस पर एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा जो कि मैथ में आपका कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन को लेके टाइम का जो इशू आ जाता है तो उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए होता क्या है कि मैथमेटिक्स, जैसे हम लोग ब्रॉड सेंस बोल देते हैं मेरे को मैथ नहीं आती है, लेकिन मैथमेटिक्स कई पार्ट में होती है। जैसे एक चीज़ क्या है कि आपको मैथ में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्लास में देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेस जो मेरे रहते हैं, कि बहुत से स्टूडेंट का रहता है कि सर समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट, सॉल्व करने समय दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं उनका कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा इशू आ रहा है, वो कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा एक फियर आ जाता है कि मेरा टाइम बहुत जा रहा है। मान लीजिए बगल वाला स्टूडेंट थोड़ा स्मार्ट है, उसने जल्दी कैलकुलेशन कर लिया, उसने आंसर दे दिया, तो आपके अंदर थोड़ा सा ये आ जाता है कि भाई मैं थोड़ा सा इस चीज़ में वीक हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को समझो कि आप स्टेप बाय स्टेप को ब्रेक करो कि मेरा थ्योरी पार्ट ओके है कि नहीं ओके, पहले इसको टिक करो अपने माइंड में कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट टिक है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें मेरे को वर्क करना है। तो उसी रिगार्डिंग मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत सारी समझाऊंगा, जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो चीज़ मैं आपको भी सिखाऊं ताकि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। और मेरे को खुशी इस बात की है कि जिस वे मैंने आपको प्रेजेंट किया कि आप ऐसे इसको सीखो, बहुत सारे स्टूडेंट उसी वे में इस चीज़ को सीख रहे हैं और उसी में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और बेनिफिट आपको होगा। दूसरी चीज़ जो मेरा खुद का 6 ईयर का एक्सपीरियंस है इस कम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, तो मैंने नोटिस किया है कि आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर एग्जाम आपको डेफिनेटली अगर आपको क्रैक करना है तो कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, उसमें इन ट्रिक का बहुत फायदा होगा। अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, प्लस में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आएंगे, प्लस में सब्जेक्टिव एग्जाम में भी बीच बीच में जो कैलकुलेशन पार्ट आता है ना, उसको उसमें भी ट्रिक की बहुत जरूरत पड़ती है। दोनों में ट्रिक की जरूरत हमेशा पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको जिस वे में करना है प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है, तो कई लोगों ने कमेंट में आंसर दिया, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। प्लस में एक और चीज़, मैं इसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क देने की भी कोशिश करूंगा ताकि ट्रिक का और ज़्यादा आपका यूज कर सकें, ताकि जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में वापस लौट के आएंगे तो आपको ट्रिक में और क्लियरिटी है, और मैं क्लासेस में भी और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि इस चीज़ का मैं प्रॉपर यूज कराऊं, है ना। जैसे क्लासवर्क में बहुत से क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, तो मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लूंगा जहाँ पे ट्रिक्स यूज हों ताकि उसका और आपका एक्सपीरियंस हो सके उन ट्रिक्स का, और अच्छे से आप उसका यूज करना सीख सकें। तो अगर किसी ने लास्ट ट्रिक नहीं देखी है जो मैंने 11 से लेकर 99 के स्क्वायर्स की ट्रिक बताई थी और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन वाले स्क्वायर की बताई थी, आप प्लीज़ उसको पहले देखिए, क्योंकि तभी आपको इसमें और बेनिफिट मिलेगा। ऐसे मैं सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, अगर इन केस आपको नहीं ट्रिक मिल रही है तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। प्लस में मैं जो भी ट्रिक के रिगार्डिंग होमवर्क बनाना बनाना चाह रहा हूँ, उस होमवर्क को भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। लास्ट जो ट्रिक मैंने बताई थी लास्ट वीडियो की, उसका कुछ पार्ट मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आज की ट्रिक के लिए। तो अगर कोई भी नंबर है एंडिंग विथ 5, इनके अगर स्क्वायर करने हैं, तो उसकी मैंने ट्रिक लास्ट क्लास में समझाई थी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर एंडिंग विथ 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो सबके नंबर में लास्ट में कितना आना है 25 ही आना है। सबके नंबर में लास्ट में कितना आएगा 25 ही आएगा, सबके नंबर में जब स्क्वायर करेंगे लास्ट में कितना आएगा 25 ही आएगा, क्योंकि एंडिंग डिजिट 5 है। अब जो बचा डिजिट 1, तो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 टू 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख दो आंसर आ गया। देखिए सेकेंड्स में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये 2 है, 2 के बाद कितना आता है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो ये 6 आपका आंसर आ गया। एज ए 3 के बाद कितना आता है 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, तो 12 लिख दिया। 4 के बाद कितना आता है 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो 20 लिख दिया। 5 के बाद कितना आता है 6, तो 5 इंटू 6 30 होता है, 30 लिख दिया। 6 के बाद कितना आता है 7, तो 6 इंटू 7 हो गया 42, 42 लिख दिया। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ
कि मैं आपसे एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग एक ऑफिसर वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 से 10 तक का टेबल याद होना चाहिए। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 1 से 10 तक का स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। इतना तो आपको याद होना चाहिए, आप इतना बड़ा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, इतना तो एफर्ट आपको मारना है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर वो मैथ बहुत कठिन लगता है ये वो, तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि आप जैसे SI की तैयारी कर रहे हैं, अपने रूम पे जितना SI की सैलरी है, 50,000 लगभग सैलरी है, अपने रूम पे 10 जगह चिपका लेना। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, क्वेश्चन देखो भी 50,000 रुपये देखो उसको, अपने आप सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। मनी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है ना, आपको सब क्वेश्चन ईजी लगेंगे। मैंने खुद क्लास के स्टूडेंट कराया है, अब उनको सब ईजी लगता है, खुद तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इनका स्क्वायर याद करिए, नहीं तो 50,000 आपके जा रहे हैं। बचा 7, 7 to 8 कितना, 56, तो 5, 6 to 5, 8 into 9 कितना, 8 है 8 के बाद 9 आएगा, 8 into 9 कितना, 72, तो 7, 2 to 5, 9 के बाद 10, तो 9 to 10 कितना होता है, 90, तो 9, 0 to 5। तो ये स्क्वायर्स हैं, इनका भी हेल्प लगेगा मेरे को, ठीक है ना, ट्रिक्स जो आज बताऊंगा इसमें हेल्प लगेगा। दूसरी बात, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 4। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, अब 1 0 है और पावर 2 है, 0 कितने थे, 1, पावर कितना था 2, तो 1 2 2 कितना हो गया 2, तो आपको 2 0 बना देना है, बस 2 0 बना दिया आंसर। 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 40 का कितना, तो 4 का तो हो गया 16, 0 कितने हैं 2। तो इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। 60 के स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 0 3600। तो इन दो चीज़ों की आज की ट्रिक में जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले ही आपको ये चीज़ समझा दिया, सिखा दिया, ताकि ट्रिक में कन्फ्यूजन ना रहे आप, है ना। और जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोग स्क्वायर रूट 10 सेकंड के अंदर ही निकालेंगे, मेरी गारंटी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं टाइप 1 क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा इजी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अगर आपको अभी 1 से 10 तक नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी आप मेहनत कर लीजिए। और ये मैंने इसको साइड में लिख लिया है ताकि आपकी कन्वीनियंस हो, मैं इसको यहाँ पे साइड में आपको दिखाता रहूँगा, है ना। जैसे मेरे को मान लो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि मेरे को 676 का स्क्वायर रूट निकालना है, 676 का स्क्वायर रूट, 2 स्टेप केवल फॉलो करूंगा, केवल 2 स्टेप आपका आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप, है ना। तो अभी मैं बहुत ही बारीकी से आपको आराम समझा रहा हूँ, फिर जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे स्टेप मेंटली होंगे और तुरंत आंसर आएंगे, है ना। मैं इसके आंसर सीधे निकालता हूँ, सीधे मेंटली क्लास में, तभी मेरे आंसर तुरंत जल्दी आ जाते हैं। आप लोग पूरा सॉल्व करते हो, मैं तुरंत आंसर ऐसे ही देता हूँ, है ना। लेकिन अब मैं उन चीज़ों को सिखा रहा हूँ आपको कि मैं कैसे आंसर देता हूँ। तो 676 का स्क्वायर रूट मान लो करना है आपको, 2 स्टेप, मैं बहुत ही आराम सिखाऊंगा पहला क्वेश्चन, आप आराम से समझिएगा पहले, फिर धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, पहले आराम समझिए। तो जो इसमें यूनिट डिजिट 6 है उसको नोटिस करो, तो आप एक पैटर्न नोटिस करना। जैसे मैं आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर का एक पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1, इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, और 9 का स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर 81, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, बराबर। नेक्स्ट नोटिस करिए, 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट भी 4, 8 का स्क्वायर 64, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4, ये दोनों क्या हो गए, बराबर। 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट 9, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट कितना है, 9, देखिए क्या आ रहा है दोनों के, यूनिट डिजिट बराबर। 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट कितना है, 6, देखिए दोनों क्या हो गए, बराबर। और ये 5 का स्क्वायर बीच में कॉमन आ गया, है ना। अब जैसे ये यूनिट डिजिट 6 है, तो या तो ये 4 का स्क्वायर में है और या तो ये 6 का स्क्वायर में है। तो जो आपका स्टेप 1 है कि जो आपका यूनिट डिजिट होगा आंसर का, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, दोनों में डाउट है। आपको जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट मैं बहुत आराम से पहला ट्रिक समझा रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। तो जो स्टेप 1 क्या हो गया कि आपने यूनिट डिजिट देखा क्वेश्चन का, 6 है, आपने यहाँ से मैच कराया कि भाई ये तो 4 का स्क्वायर 16 तो ये 4 हो सकता है, या 6 का स्क्वायर 36 तो ये 6 हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है यूनिट डिजिट। अब बात है 10 डिजिट की, तो जो 676 पूरा आपका नंबर है किसके किसके बीच में आ रहा है, तो मैं अगर नोटिस करूं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 तो 400, 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 तो 900, इन दोनों के बीच में आ रहा है 676, इन दोनों के बीच में आ रहा है 676। इसका मतलब
जो 676 का स्क्वायर रूट है वो किसके किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में है ना। तो उसका मतलब 30 से तो कम ही होगा और 20 से ज्यादा होगा है ना। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका 10 डिजिट फाइनल हो गया, दोनों में छोटा कौन है, 2, तो 10 डिजिट कितना आ जाएगा, 2 फाइनल हो गया, क्योंकि 20 से ज्यादा है तो 21, 22, 23, 24, देखिए सब में 10 डिजिट तो 2 ही है ना, तो आपका फाइनल हो गया कि 10 डिजिट कितना होगा, 2 होगा, 10 डिजिट कितना होगा, 2 होगा। तो ये स्टेप 2 हम लोग करने जा रहे थे, 10 डिजिट हो गया 2। अब ये बात बची कि 4 और 6 में, 4 और 6 में क्या लेना है, 4 लेना है कि 6 लेना है, उसका देखिए तरीका। तो सबसे पहले 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, इनके बीच में आएगा 25, 25 का स्क्वायर कितना होगा ये बताइए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद आता है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 625। तो ये जो 625 है इससे आपका नंबर क्या है, आपका नंबर बड़ा है, जो आपका क्वेश्चन में नंबर है 676 और 625 से बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या होगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो वाला लेना है आपको। तो ये लिया 2, इन दोनों 4 और 6 में क्या बड़ा है, 6, तो 6 लिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। मैं दोबारा आपको सारे स्टेप बताता हूँ दूसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो आपसे बन गया, दूसरा क्वेश्चन फिर से सारे स्टेप बताता हूँ कि अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। मैंने लिया 1369, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले आपने क्या देखा, यूनिट डिजिट 9, ये किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो देखिए ये 3 के स्क्वायर में आता है और ये 7 के स्क्वायर में आता है, तो या तो 3 होगा यूनिट डिजिट, या तो 3 होगा और या तो क्या होगा, 7 होगा। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, 1369 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 30 के स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, इन्हीं के बीच में आ रहा है, इसमें छोटा कौन है, 30 छोटा है, तो इसका मतलब जो आपका 10 डिजिट जो हो जाएगा, 10 डिजिट वो कितना हो जाएगा, 10 डिजिट कितना हो जाएगा, 3 फिक्स हो गया, 10 डिजिट कितना हो जाएगा, 3। तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया कि 10 डिजिट फिक्स हो गया। अब स्टेप 3 की बारी है कि इन दोनों में फाइनलाइज करना है कि कौन सा लेना है आपको, है ना। तो 30 और 40 के बीच में आता है 35, अब 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, तो 12 25। जो आपका क्वेश्चन है 1369, जो कि इससे क्या है, बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो इन दोनों में क्या लेना है आपको, बड़ा वाला लेना है। तो 3 तो ये फाइनल हो गया था, 3 और 7 में क्या लेंगे आप, 7, 37 आपका आंसर आ गया। कितने इजी क्वेश्चन है ना। तो अभी तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, आप थोड़ा समझेंगे, जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इससे 10 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ये ट्रिक सेकंड्स में होती है, मेरे को सेकंड्स ही लगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रिक्स की, तभी फ़ायदा है ट्रिक्स का। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में दूंगा अभी, जिसको आपको कमेंट में आंसर भी करना रहेगा, तो यहीं से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मैं क्लासेस में भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ऑनलाइन को उसी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑफलाइन की फीलिंग दिला सकूं। अंडर रूट 2304, स्टेप 1, 4 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो देखिए 2 का स्क्वायर भी 4 है और 8 का स्क्वायर 64 और 64 का यूनिट डिजिट क्या, 4, तो या तो 2 होगा यूनिट डिजिट, या तो 8 होगा, नहीं पता मेरे को, कोई बात नहीं, या तो 2 या तो 8, या तो 2 या तो 8। अब बात करते हैं 10 डिजिट की, स्टेप 2, तो 2304 किसके किसके बीच में है, तो 40 का स्क्वायर होता है भाई 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500, इन दोनों के बीच में है 2304, तो 40 और 50 में छोटा कौन हो गया, 40 छोटा हो गया, तो 4 आपका फिक्स हो गया कि 10 डिजिट आपका 4 ही आना है, 10 डिजिट क्या आना है, 4 ही आना है। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या है कि इन दोनों में आप फाइनलाइज करना है किसको लें, तो बीच का क्या है 45 नंबर, तो 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, तो जो आपका नंबर 2304 है इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, आपका जो नंबर है इससे ज़्यादा हो गया, तो इन दोनों में जो ज़्यादा वाला नंबर है, बड़ा वाला, वो ले लेना है बस। तो 4 और 28 में क्या बड़ा है, 8, तो आपका 48 आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन 2809, ये क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। यही वीडियो को पॉज करिए, पहले इसका आंसर निकालिए और इसका आंसर आप कमेंट में इसको डालिए, कमेंट में मैं एक एक कमेंट चेक करता हूँ आपकी, एक एक कमेंट, क्योंकि इसको मैं ऑफलाइन की तरह ही कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लासेस में क्वेश्चन आपको देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, तो एक एक कमेंट चेक करता हूँ मैं, तो इसको पहले कमेंट में आंसर करिए फिर आप आगे बढ़िए। तो इसको आप पॉज करिए, इसका आंसर करिए पहले आप, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन,
और बाकी क्वेश्चन भी जो मैं करा रहा हूँ उसको जरूर आप ट्रिक को एक जगह पे लिखते रहिए, नहीं तो फिर ऐसे भूल जाएंगे आप। वीडियो का तभी फायदा होगा कि आप ट्रिक को लिखिए, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए। मैथ जो आपका टू वे प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि आप बस वीडियो देख लिए खत्म, आप एक कॉपी पेन लेके ट्रिक को लिखिए अपनी लैंग्वेज में, तभी बेनिफिट होगा। तो जितना ट्रिक की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। 4096 का स्क्वायर रूट, स्टेप वन, सिक्स किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो फोर के स्क्वायर में आ रहा है और सिक्स के स्क्वायर में आ रहा है, तो या तो यूनिट डिजिट फोर होगा या तो क्या होगा, सिक्स होगा, ठीक है ना। ये तो फाइनल हो गया, दोनों में कोई ना कोई होगा। अब 4096, तो 4096 किसके किसके बीच में है, तो देखिए 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900, 70 का स्क्वायर क्या 4900 है ना। बस ये देखो 36 का स्क्वायर 36, दो जीरो लगा दिया, 7 का स्क्वायर 49, दो जीरो लगा दिया, है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है, तो इनमें छोटा कौन है, 60 छोटा है, तो 60 का आपने क्या ले लिया, 6, तो 10 डिजिट क्या हो गया, फाइनल हो गया 10 डिजिट 6। अब बारी ये है कि इन दोनों क्या ले, तो इसके बीच में जो 65 रह गया, तो 65 का स्क्वायर निकालिए, तो 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 और 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है, 42। तो जो आपका नंबर है वो इससे छोटा रह गया, ये नंबर 4225 तो बड़ा हो गया ना आपके नंबर से, छोटा रह गया। तो ये जब छोटा है, देखिए हर बार क्या होता था, नंबर बड़ा होता था, जब ये बड़ा होता था नंबर, ये देखिए जैसे ये बड़ा था इससे, तो आपने क्या किया, दोनों बड़ा नंबर लिया। अब आपका नंबर छोटा है इससे, तो आप क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे, तो 4 और 6 में छोटा क्या है, 64, 4 और 6 में छोटा क्या है, 4, तो आपने 4 ले लिया, तो 64 आ गया इसका स्क्वायर रूट। आप लोग इसका आंसर को क्रॉस चेक भी करिए, कैलकुलेटर खोलिए, 64 का स्क्वायर करिए, या मैंने जो ट्रिक सिखाई थी कल 64 का स्क्वायर करने की, उस ट्रिक को यूज करिए और 64 का स्क्वायर करिए, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चीज़ें करनी है। लास्ट जो ट्रिक सीखी थी, जो भी आंसर आ रहे हैं, इनका लास्ट की ट्रिक मैंने दो डिजिट का स्क्वायर सिखाया था, यहाँ स्क्वायर करिए, चेक करिए वापस ये नंबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे लर्निंग होती है मैथमेटिक्स में, तब मैथमेटिक्स आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप कम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा, जो अभी तक आपका वीक पोर्शन था। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट मैसेज आ रहा है कि सर अब मैथ मजा आ रही है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ में एक मैसेज और आ रहा है कि सर जीएस मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैथ मेरा वीक था, लेकिन मैथ में इतनी मजा आ रही है कि जीएस मेरा वीक हो गया है। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है भाई, मोहब्बत नहीं करनी मैथ से, मोहब्बत नहीं करनी, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। दो चीज़ से मेरे को मोहब्बत है, चाय और मैथ से। आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको सब सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस बना के। कैसा नहीं कि आपका मैथ इतना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इतना मजा आ गया कि आप मैथ ही पढ़ रहे हो, तो उनका मैसेज आ रहा है कि सर अब जीएस वीक हो गया है, तो ऐसा ना करिए प्लीज़। हर एक टॉपिक का हर एक उसका बैलेंस बना के चलिए आप। अब यहाँ टाइप टू में थोड़े और डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं सेम ट्रिक से आंसर नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन सेम ट्रिक से आंसर निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा दूसरे मीडियम से क्वेश्चन कराता हूँ। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन जिनका 5 डिजिट हैं इसमें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया 15376, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऐसा नहीं कि मैं इससे निकाल नहीं सकता हूँ, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, उसका आंसर बिल्कुल आएगा, है ना। इससे भी आंसर मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग दूसरा एक ट्रिक बताता हूँ, दूसरा एक ट्रिक आप उससे भी ट्राई करिए, आपके हाथ में, दोनों में जो आपको ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं, है ना। तो इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो इसका स्क्वायर रूट है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, आप स्क्वायर रूट ना बताओ, इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताइए कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग कि इनको काउंट करिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट बताना हो, तो अगर ऑड आ रहा है नंबर, तो 5 में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2, तो 6/2 आंसर कितना आ गया, 3। तो जो भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट का, उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 3। तो ऐसे नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हो आप। इन केस अगर 6 डिजिट का नंबर होता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर 6 है इवन, सीधे 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया, 3। तो अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, तो 4 इवन है, 4/2 आंसर कितना आ गया, 2, 4/2 आंसर 2। अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसका पूछे कि जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगी, 3 ऑड है, तो 3 में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4/2 कितना आंसर आएगा, 2। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ डिजिट निकालना, है ना। अभी हम लोग आंसर पे पूरा फोकस कर रहे हैं, पूरा आंसर निकालना है हम लोग को। तो 15376 इसका निकालना है स्क्वायर रूट, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। सेम चीज पहले क्या किया आपने, इन दो डिजिट को पकड़ लिया, इन दो डिजिट को, स्टार्टिंग दो डिजिट को पकड़ लिया,
अब इन दो डिजिट को पकड़ के काम केवल मेरे को यूनिट डिजिट का है, सिक्स का। ये नोटिस करो, सिक्स किसके किसके आंसर में आ रहा है, सिक्स किसके किसके आंसर में आ रहा है। तो सिक्स फोर में भी आ रहा है और सिक्स सिक्स वाले में भी आ रहा है। तो या तो यूनिट डिजिट फोर होगा या तो सिक्स होगा, या तो फोर या तो सिक्स होगा, या तो फोर या तो सिक्स होगा। अब जो इसके अलावा नंबर बचा 153, तो देखिए 153 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए 11 का स्क्वायर तो 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है जो कि इससे छोटा है, ठीक है ना, और 13 का स्क्वायर 169 जो कि इससे बड़ा है। तो ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 12, ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जो इन दोनों में छोटा होगा वो यहाँ लिख लेना है। तो 1, 2 आपने लिख लिया, तो ये तो फिक्स हो गया कि आपके आंसर के जो ये दो डिजिट हैं ये फिक्स हो गया कि 1 और 2 होगा। डाउट फिर वही आ गया 4 और 6 में कि इनमें क्या लें, ठीक है ना। ये कैसा किया हमने कि पहले 76 पकड़ा, मतलब दो डिजिट पकड़नी है, दो डिजिट कोई भी क्वेश्चन हो दो डिजिट लेना है, लेकिन काम केवल यूनिट डिजिट का रहेगा। दो डिजिट लिया लेकिन काम केवल यूनिट डिजिट का है जो कि 6 था, 6 किसके स्क्वायर में है तो 4 के स्क्वायर में है और 6 के स्क्वायर में भी है, है ना। तो 4 और 6 ले लिया, दोनों में डाउट है, कोई बात नहीं, बाद में इसको हो जाएगा किसका काम। इसके अलावा बचा नंबर 153, तो हम नोटिस कर रहे हैं 153 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 12 के स्क्वायर में आता है और 13 के स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। तो 12 और 13 में जो छोटा है हमने लिख लिया, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए डिजिट। अब 12 और 13 का करो मल्टीप्लाई, 12 और 13 का मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 13 कितना हो गया, 156, कितना हो गया 156। अब ये चीज नोटिस करिए कि 156 जो आपका है, 156 ये 153 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए आपका जो नंबर 153 है वो इस नंबर से क्या है, छोटा है। देखिए पहले भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, जब आपका नंबर जैसे ये आपका नंबर था, ये इससे छोटा आता था, छोटा, तो आप इन दोनों में क्या लेते थे, छोटा डिजिट लेते थे। सेम चीज यहां पे करना है कि मल्टीप्लाई 156 आ रहा है लेकिन आपका जो नंबर 153 है वो इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आपको 4 और 6 में छोटा वाला लेना है, तो दोनों में छोटा क्या है, 4, तो 124 आंसर आ गया, इजी 124 आंसर आ गया। इसमें सेम स्टेप ही फॉलो हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इस ट्रिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, अगर वो क्लियर है तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, 18769 यहां पे पकड़िएगा। सबसे पहले क्या किया, दो डिजिट को पकड़ लिया, लेकिन दो डिजिट में काम केवल यूनिट डिजिट का है, 9 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो 3 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है, तो हमने दोनों को लिख लिया, 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है, दोनों को लिख लिया। नेक्स्ट क्या, 187, तो 187 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, तो इन दोनों के बीच में है 187, इन दोनों के बीच में है 187, ये बात क्लियर है, इन दोनों के बीच में है। तो जो छोटा वाला है उसको यहाँ लिख लिया, तो स्टार्टिंग की दो डिजिट तो क्लियर हो गई, 13 होगा। अब इन दोनों में डाउट बचा, तो 13 × 14 करना है, तो 13 × 14 कितना होगा, तो 14 × 3 हो गया 42, 2 लगाया 4 और 14 × 14 = 182, ये हो गया 182 हो गया, कितना हो गया 182। अब 182 जो है आपका, देखिए 187 आपका जो क्वेश्चन में था वो 182 से क्या है, बड़ा है। तो अगर ये 182 से बड़ा है आपका क्वेश्चन वाला, तो इन दोनों क्या लेना होगा, बड़ी डिजिट लेना होगा, 13, अब 3 और 7 में बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 ले लिया, तो ये 137 इसका स्क्वायर रूट आ गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो 20164 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, 20164 इसका स्क्वायर रूट। तो पहले दो डिजिट पकड़ा, दो डिजिट में क्या किया, 4 लिया यूनिट डिजिट, किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 आता है आपका, देखिए 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है, दोनों में आता है, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 या तो 8, फाइनल हो गया। अब बचा यहाँ पे देखते हैं 201, तो 201 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो देखिए 196 होता है 14 का स्क्वायर और 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में आता है 201 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 201, तो आपको छोटा वाला लेना है, तो 14 आपने फाइनल कर दिया कि 14 हो गया दो डिजिट। अब देखना है इन दोनों में क्या लेना है, तो 14 × 15 करना है, तो 15 × 10 हो गया 150 और 15 × 4 हो गया 60, ऐड किया हो गया आपका 210। देखो मैं अगर दो डिजिट मल्टीप्लाई करना है उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का बताता हूं, जैसे मान लो 1415 को मल्टीप्लाई करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक का भी बताता हूं आपको, 4 × 5 कितना हो गया 20, तो आपने 0 लिखा 2 कैरी ओवर।
अब क्या करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 1 कितना 5, और 4 इंटू 1 कितना हुआ 4, तो 5 प्लस 4 कितना हुआ 9, और कैरी ओवर को जोड़ दो, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 1 लिखा 1 कैरी ओवर, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 टू 1, 1 हुआ उसको जोड़ दो 2 हो गया 210 आंसर। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी कैरी ओवर होगा उसको ऊपर लिखा, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, प्लस कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसमें कैरी ओवर को प्लस कर दिया, उसको लिखा, फिर कैरी ओवर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये एक मैं और भी ऐसी ट्रिक बताता चलूंगा, ये 2 into 2 डिजिट का मल्टीप्लाई का ट्रिक है, ठीक है ना। तो 14 into 15 कितना आया 210, आपका क्वेश्चन में 201 है, तो ये तो 210 से छोटा हो गया 201, तो क्या करना है, इन दोनों में छोटा नंबर लेना है, तो 14 और 208 में छोटा नंबर क्या है 2, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट। ऐसे ही अब फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 17576 इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17576 इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 1024 इसका स्क्वायर रूट निकालिए आप, 1024 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इस दोनों के आंसर आपको कमेंट में देना है। तो मैंने आज आपको कमेंट के लिए कितने क्वेश्चन दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो क्वेश्चन, इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, थ्री, हाँ बस थ्री क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ये मैंने आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्यूब रूट की ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्लस में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस खूब करिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस रिगार्डिंग जहाँ पे आपको डाउट होगा तो या तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं और क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा। सेकंड, आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके ये भी बताइए कि नेक्स्ट ट्रिक आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट ओरिएंटेड ही काम कर रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने जितने भी ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे पर्सनली ज़्यादा अटैच रहता हूँ कि क्या आपके साथ एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है। कि मेरा देखिए, मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक इंडिविजुअल अलग है, सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है ना, सबको अपनी वीकनेस पे वर्क करना है, अपनी स्ट्रेंथ को लगातार और मजबूत करना है ना। तो नेक्स्ट आपको क्या शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए, या जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, उसका मेरे को कमेंट बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा उसका पहले बनाने की, अगर ज़्यादा उसी पे कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, और जितने भी आपको क्वेश्चन दिए उसको कमेंट आंसर करिए, बाकी मैं नेक्स्ट ट्रिक फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच।